शुक्रिया। हमारे सूरीनाम की तमाम जनता और जहां तक आवाज पहुंच रहा है सब लोग को मेरा प्यार पहुंचे। सब लोग एक ही बात इस वक्त एक ही सवाल करते हैं सूरीनाम में परनाम के बारे में। परनाम अमेरिका ने अपना कारोबार कब्बे न बंद कर दिया और धीरे धीरे यानी फैब्रिक जो है उसको खोल खोल करके अब ये अमेरिकानन यहाँ से जाने वाला है। सूरीनाम के तमाम लोग है, कुछ लोग है असेंबली के लोग है और कहीं कहीं के लोग सवाल यही करते हैं कि काहे के परनाम जब जा रहे तो रफी नादरे खोल के लिए जा रहा है। अरे भैया वही कच्चीस है, वही के जमीन पर वो रफी नादरे ही है, एक दम जमीन है, अब वो खोल करके जा रहा है। जैसे कोई यहाँ से प्रदेश जाते न्यूजीलैंड, उनका घर उनका द्वार उनका जमीन है वो बेच करके जाते या छोड़ करके जाता, कभी लोग घर उखाड़ करके जाते हैं, ऐसे अमेरिकन लोग है अब ये सब उखाड़ उखाड़ करके यहाँ से ले जाएगा या किसी को बेच देगा। जैसे पहले बिलिंगटन यहाँ से चला गया है वैसे परनाम अब जा रहा है ना? 2015 में जब भी एक लखेरिंग था, नाम हम नहीं लेंगे शायद आपको गुस्सा लगेगा, तो ऐसे चिट्ठी उन दिनों में आया है कि परनाम यानी अल्कोवा का मैनेजर ने कहा कि देखो बखेश वहां अभी तक अलोइन आर्द बॉक्सिट है, मुझे वहां के यानी इजाजत फरखीनिंग होना चाहिए, तो सरकार नहीं दिया। फिर सरकार के चिट्ठी कुछ आया था कि 90 मिलियन आपको लगेगा राफी नादरे ले लो, आप लोग कारोबार अपन बढ़ाओ, तो सरकार ने चिट्ठी लिख दिया नहीं हम लोग के वो जरूरी नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर हल्ला दंगा मचाते हैं कि परनाम यानी रफी नादरे हमें चाहिए, हमें ये वो चाहिए सब कुछ, अब 2-3 बरी से वहां पर यानी बॉक्सिट नहीं निकाला जाते हमारे जमीन से, वो कारोबार बंद है और वहां पर सब घर मकान टूट टूट करके लटक लटक गया है। अगर आप देखेंगे कितनी मकान कितनी बजरे वहां टूट टूट करके यानी छितरा गया है, मशीन वशीन पता नहीं कहाँ है कहाँ ना है। अब बिलिंगटन भैया वो तो पहले चला गया परनाम के यानी लोग अब यहाँ रफी नादरे को खोल खोल करके एक एक स्क्रू और जो चीज ले जा सकेंगे उसको ले जाएंगे बोट में रख करके और यहाँ से वो लोग अलविदा ले लेंगे। तो भाइयों बहनों असेंबली में ही चातानी हो रहा है ना? और सब कुछ हो रहा है, एक चीज सिर्फ नहीं ले जा पाएंगे वो है हमारा करप्शन ट्रायल, क्रैक सेंट्रल जहां से बिजली पैदा होता है, सिर्फ वही क्रैक सेंट्रल नहीं ले जा पाएगा तो उसी के छोड़ करके वो जाएगा, उसी के छोड़ करके और यहां से वो लोग रवाना होगा। वही 2019 दिसंबर में क्रैक सेंट्रल जो है उन्हें छोड़ करके सूरीनाम के हवाले करके और यानी कि अमेरिकन लोग इस देश छोड़ करके चला जाएगा। देखिए अभी कुछ दिनों से हल्ला था भाइयों बहनों, ट्रांसफॉर्मेशन फंड है इंस्टीट्यूट फॉर द ऑपरेटिंग फंड रारन ईओएल कि ईओएल जा करके यूनिवर्सिटेट अंतुन यूनिवर्सिटेट में कॉपर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे नहीं, अब क्या होगा ईओएल रह जाएगा लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपलाइडिंग यानी उस दर्जा के रहेगा, यूनिवर्सिटी दर्जा के रहेगा लेकिन जाकर के मिल नहीं जाएगा यूनिवर्सिटी कॉम यूनिवर्सिटी में। तो शायद अफगान फन है ईओएल इन द अंतन द कॉम यूनिवर्सिटी और सूरीनाम इस फन द बान, सिर्फ एक चीज होगा ईओएल रहेगा लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपलाइडिंग रहेगा, तो नाम वही है और ताकत वही है लेकिन सिर्फ मिलेगा नहीं जा करके, मिल जाएगा घुस जाएगा जिसे एक और खानी सास ये में इसे नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ईओएल खात दौर, प्यारे लोग जनता 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 हमारे देश के जनता के लिए संदेशा भाइयों बहनों की सलारसन मेडी सेंडिंग यानी वो स्टॉर्ट हो चुका है, हल्ला दंगा होने लगा था है? और फिर पता चला कि वो पैसा स्टॉर्ट हो चुका है, तो ये मामला ये हल्ला दंगा यानी रुक गया है। प्यारे प्यारे
सारे लोग सूरीनाम के जनता सांदरई पर, सांदरई के कुछ कम करता तुम्हें शायद पता होगा मुंशी। अरे तो क्या तो सब बात पता रहे, अब तुम्हारे बाद में हमें पता होता है। देखिए 9 लोग गिरफ्तार हुआ है जो लोग सांदरई पर काम करते हैं, 9 लोग। और इन लोगों के काम की लोग क्या क्या है कि लोग गिरफ्तार हुआ है, ये लोग जो किया है प्यारे प्यारे लोग सूरीनाम की तमाम जनता। डेबल बोधम, डेबल बोधम एक कंटेनर जो युहान आदल पेंगलोकथाफन पर है, वही ने घुसेर घुसेर करके द्रियन सस्त किलो दृक्षा दृक्ष 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 फैफ ऑफ फैफ तक पाकन दृक्ष मैं तक खवेख पान द्रियन सस्त किलो। तो इसमें कुछ लोग ने गिरफ्तार हुआ है जैसे अख्तन फेत यारख लुफ्ट हाफन बीज वर्कर एम का सीफन यारख फ्लिख मस खपे के, ये सब गिरफ्तार हुआ है मिला करके हम जहां तक मुझे पता 9 लोग है। तो 9 लोग को देर तक दाख के फरलाइनिंग है, मतलब कि अभी तक वहां पर जेल में रहेगा। तो जब कोर्ट कचहरी शुरुआत होगा तब इन लोगों का पूरा नाम आप सुनेंगे। द्रियन सस्त किलो अगर बेचते ये लोग तो ये सब मिलियनेयर हो जाता, मिलियनेयर हो जाता। संदरई के कमकर्तन जो उठाते झड़ते हैं ये सब कुछ करता, वो लोग मिलियनेयर हो जाता भाई, मिलियनेयर हम तो से बताई काका। तो ये सब बात जनता को बताना जरूरी है क्योंकि जनता धीरे धीरे देशवा के स्वभाव जानते हैं। The pensioner, the amtenaren, जिसे आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। और ये पेंशनेर अमतनारन उन लोग का रेखस्त्रासी शुरू हुआ है जो फुटसल पाकेटन के मांग किया है। हर एक महीना में द रिक्रियासी सेंटर बोन फॉर बलंग बाहर तकलीफ पेंशनेर ऊपर है 20 बीबी खो। यहां पर आप देखियो एक लंबा रेल लगा है और काहे के लंबा रेल लगा है, इन सब लोग को रजिस्टर करना चाहिए जो एक फुटसल पाकेटन खरीदना चाहते हैं। बड़ा बड़का बड़का फुटसल पाकेटन लोग कहते हैं कि फेफन ताकत एसआरडी लगे है, लेकिन उसमें बहुत से सामान, इतनी सामान कि आप उठा करके ले जा नहीं पाएंगे, आपको टैक्सी लेना पड़ता है, सवारी होना पड़ता है इस सामान को ले जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा है और एक्स्ट्रा सी फुसल पाकेटन शुरू हो चुका है। और ये है पेंशनेरजन, पेंशनेरजन के लिए भी और कुछ होना चाहिए, लेकिन सूरीनाम के सरकार जब तक अमतनारई के सलारस फरोख नहीं करेगा तो ये पेंशनेरजन को भी पैसा फरोख नहीं होता है। इसलिए भाई बहनों ये रिकस्त्रासी फुसल पाकेटन जारी है। कुछ दिन पहले पता चला कि एक लड़की लापता, एक लड़का लापता, ये सब अखबार इसके बारे में जिक्र की थी। एक बच्ची के नाम रईसरी और एक लड़का के नाम रोशन, तो ये दोनों लापता, ये दोनों पड़ोसी के हैं, दोनों बगल बगल में रहते हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ये लड़का की उम्र है 22 साल तक रोशन और 15 साल के रईसरी, रईसरी महादेव सिंह, रईसरी महादेव सिंह, और लड़का के नाम है रोशन। तो ये दोनों में प्यार है, प्यार के चक्कर में ये लड़की और ये लड़का दोनों घर से भाग गए। भागने के बाद पता चला कि ये लोग निकेरी में था, वहां पर मौज मस्ती किए हैं, या होटल में था या कहां था, या दोनों खुद मौज करने के बाद ये बाद में दोनों गिरफ्तार हुआ। और हमें अखबार से पता चल रहा है कि एडवोकेट इरेन लाल जी रोशन को रिहाई करवाया है क्योंकि कुछ दिनों से वो जेल में था, अब इनको रिहाई हो गई है, बच्ची भी घरे है और बच्ची भी कई मरतबा आत्महत्या के लिए धमकी भी दी थी। अब दोनों में जबरदस्त मोहब्बत है, दोनों में जबरदस्त प्यार है। अब देखो कि परिवार इन दोनों के बीच में आकर के क्या फैसला लेता है, क्योंकि अब 15 साल के बच्ची अब 16 साल के हो चुकी होगी ना, और 22 साल के रोशन, इन दोनों के प्यार के मामला में ये दोनों जेल में थे या जेल में एक रहा लौंडा,
लड़की घर पर, और अब दोनों के बाद जाहिर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में चाहते हैं, बार बार भाग जाते हैं लड़की लड़का के साथ, तो अब परिवार को इसके बारे में फैसला लेना चाहिए। कमिश्नरियात सिपालवीनी में चोर घुस करके डाका डारी से सिपालवीनी के नाम लिया जाते हैं, लेकिन सिपालवीनी के कमिश्नरियात है बीच पारामारिबो यानी स्वार्थन हुफम रुस्त्रात में, इसको सिपालवीनी में होना चाहिए, अकंतोन यहां पर है। डाकू चोर घुस करके सोमवार को यानी कंप्यूटर कंप्लीट चोरी किया, इंस्टॉलेशन वाटर कुकर और जितनी सामान डाकू ने चोरी कर सका चोरी करके भाग गया है। ये कमिश्नरियात सिपालवीनी जो ई कमिश्नरियात जो स्वार्थन होफम रिस्ट्राक में है। कॉन्शिटा सीमोंस ये था वार निमंत डायरेक्टरीस यंगस इंटरनेट जाइलैंड, शायद बहुत से लोग अभी नहीं जानते हैं इस पारामारिबो में एक यंगस इंटरनेट है, शायद आपको पता होगा ये जहां पहले द पारो थिएटर रहा उसी के पीछे में एक एक रास्ता छोड़कर के दूसरा रास्ता में वहां पर एक जाइलैंड नाम के एक इंटरनेट जहां पर सिर्फ लंदन के लिए था, लड़का के लिए यंगस के लिए, तो वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट के लोग यानी बेनलान से लोग आकर के यहाँ पर रहते थे इसी इंटरनेट में, इस इंटरनेट से यहाँ स्कूल वगैरह लड़के जाते थे। ये इंटरनेट एक मिनिस्टेरी के नीचे था, एक मिनिस्टेरी जहां तक हमें पता है जाइलान था उन दिनों में व्यूसाक के नीचे, पहले ऑंडरवेस के नीचे, ऑंडरवेस वेजर साहब क्यूटर शायद अभी उसी के नीचे होगा, ठीक है। तो कॉन्शिटा सीमोंस एक औरत है और वहां बखल लंदन है, तो सुनने में आया है कि वहां पर ये लंदन को गालियां देता था, उनकी सामान हमेशा लापता हो जाते थे, दोनासिस फुटसल फिनांशियल बेजराख जो माँ बाप भेजते थे अपने बच्चों के लिए। तो ये कॉन्शिटा सीमोंस है, न जाने ये कहां पर ये पैसा रखती थी, क्या करती थी, सब चीज ले ले करके, तो नालिस हुआ है, तो अब सिपाही ऑन द स्पॉट किया तो पता चला कि कॉन्शिटा सीमोंस कसूरवार ठहराई गई है, और कॉन्शिटा सीमोंस जो वाणी में डायरेक्टरी से थी इन्हें तुरंत उस कुर्सी से हटा दी गई है। उनकी जगह पर कल से या 9 तारीख से मैरलीन नार्डन को बैठा दी गई है, देख गुली से यानी मैरलीन नार्डन एक नया डायरेक्टरी से जो साइलाम की कुर्सी पर बैठाई गई है जहां पर यंगस इंटरनेट है। यंगस इंटरनेट जैसे मैंने आपसे बता चुके हैं ये है स्वर्फन होप में, जहां वाटर लाइडिंग मास्कपे इस वक्त है, आप तो जानते हैं वाटर लाइडिंग के रास्ता एक छोड़ करके दूसरा तो स्वर्फन होप के बात है, वहां पर ये साइलाम है जहां पर खेत ने पर खेत मैनी स्त्रात उसी का एक सही स्त्रात में है मैरलीन नार्डन नीव डायरेक्टरी से जाइलांट साइलांट एक इंटरनेट है। प्यारे लोग जनता, देश का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में हाजिर नहीं होता है, देश का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जैसे कि असेंबली लीडर बार बार सवाल करते हैं कहाँ है प्रेसिडेंट, कहाँ है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपना मिनिस्टर को फिर से प्रेसिडेंट को भेज देता है और प्रेसिडेंट असेंबली में नहीं जाता है या कम जाता है, तो सबको यही सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ कि वो कहाँ है प्रेसिडेंट, क्या करत है प्रेसिडेंट ना, और ऐसे करके ये अलकुआ के बाद जो चला है तो असेंबली जो आमतौर पर कागज पर आया है वहां न ओपोजिशन और न कोअलिशन उस आमतौर से उस जवाब से सहमत हो सका, इसलिए सब लोग न ओपोजिशन और न कोअलिशन वो लोग खुशी है इस देश का प्रेसिडेंट से, और अब फिर से प्रेसिडेंट वादा दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर में कागज पत्र जो असेंबली को जरूरी है वो भेज देगा, फिर देखो असेंबली क्या करने जाएगा। घर में लगा आग भैया सर्वेस्टन चोट चल रहा की बात है, और करीबन 8 लोग घर से बेघर हो गया है, घर एकदम जल करके राख हो गया है। एक बाप ने 7 बच्चों के साथ उसी घर में रहता था और ये घर में जब आग लग रही है
तो जानो कि ये घर में आग जब लगा तो ये बचल नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी नेट यानी इलेक्ट्रोम घर में नहीं था। ये जैसे लोग बताई हैं कि लकड़ी पर खाना पकाया जाते थे और शायद वही कारण से इस घर में आग लग गया है, यानी चर्चिल बैग सर विंस्टन चर्चिल बैग और सब जल करके राख हो गया है। इस वक्त ऑन हैंडलिंग बीपीएल और हाउस मिनिस्टर फेरिये से जो बातचीत है, लिवियन से बातचीत हो रहा है और हमें पता चला है कि ये सब ठीक रूप में चल रहा है। इस वक्त जो बीपीएल हाउस के मांग है, लिवियन फेरिये बातचीत कर रहा है और ये समस्या को जल्दी से हल भी करना चाह रही है। ये जनता, मैंने कल आपसे कहा था कि कमिश्नरसन को अदली बदली किया जाएगा, कुछ कमिश्नरसन यहां से वहां वहां से वहां, तो पता चला कि वेद प्रकाश जुलुम सिंह जो निकेरी का कमिश्नरस है, ये आने वाले दिनों में जहां तक हमें पता है, आज ऑगस्टस की ये बात है, 8 ऑगस्टस वेद प्रकाश जुलुम सिंह वो फरेशी होगा निकेरी से और जाएगा कुंभवेन में है अजय काली जैसे, तो जैसे काली वो जाएगा निकेरी की तरफ, निकेरी जाएगा वेद प्रकाश जुलुम सिंह, ये बात मुझे पता है कि वो जाएगा कुंभवेन और अजय काली कुंभवेन से निकेरी। ऐसे भी जितने देशे है वो इधर से उधर, उधर से इधर होगा, कुछ नई देशे बनो भाई है, जैसे मुझे पता है कॉनराड एक्टोन वो एक एक्स यूएफ पार्लियामेंटारियर, वो भी कमिश्नरस होगा, और राहुल स्वीडो वो भी बनो होगा देशे, तो कुछ नई देशे आ रहा है और अभी पता नहीं है कि इस वक्त साउथ ओस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी वानिका के वो भी ऑड्री हैंकर्स और सरवन रमई, इन दोनों के बारे में भी बात हुआ, ये लोग कहां कहां जाएगा अभी पता नहीं है, लेकिन इतना बात है कि अजय काली जो अभी तक कम्बेन में है, अजय जाएगा निकेरी में और वेद प्रकाश जुलुम सिंह निकेरी से कम्बेन। तो भाई बहनों, ये चुनाव के सिलसिले में जो 2020 तक में सुरीनाम में चुनाव होने को जा रहा है, तो कम से कम कमिश्नरस को अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ठीक से जानना चाहिए, कौन रास्ता कहाँ है, कौन जनता कहाँ रहे है, क्योंकि अभी किसर लाइसेंस बनेगा चुनाव के लिए और कार्ता बनेगा वगैरह वगैरह लोग को घर घर भेजने के लिए, इस कमिश्नरस लोग को ये जानना चाहिए उनका टीम जो है वो सब लोग को इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में ठीक रूप में जानना चाहिए कि कहाँ का रास्ता है, कहाँ तक है डिस्ट्रिक्ट वगैरह। तो भाई बहनों, चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरसन यहां से वहां बदली होने लगा है। लिफोनो का पुलिसी एक सवारी के जो एक सवारी एक मोटर गाड़ी चला करके एक ब्रोफिस को धक्का मार करके भाग गया टूरिफो कनाल के रास्ता पर, एक ब्रोफिचर और दो लोग था उस ब्रोफिचर पर, मिशेल एस और एक उसके पीछे जो बैठा था, दोनों को ज्यादा चोट लगा और दोनों को उठा करके हेल्प को ले गया, लेकिन शफेर धक्का मारने के बाद वहां से भाग गया है। भैया लोग, अपना अपना गाड़ी में सामान मत रखना, क्योंकि बहुत से गाड़ी उखाड़ उखाड़ करके लोग सामान चोरी करने लगा है। ये रोजाना लिफोनो का पुलिसी ये संदेशा दिया कि इंडस्ट्री वेबसाइट में ऐसा ही एक खबर हुआ कि डाकुओं ने घुस करके और गाड़ी उखाड़ करके सामान चोरी करके और वहां से भाग निकला है। भाइयों, हमारे जनता देखो, ऐसे ऐसे करके बहुत से बात है देश के लिए बताने के लिए ना, और मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट लेडी जो सुरीनाम का है, तो उन्हें चेक दिया गया है, चेक द फर्स्ट लेडी फ्रॉम रिपब्लिक सुरीनाम इंग्रिड बॉल्फर्स वाल्डरिंग
इन्हें ग्रीस शख्स मिला है एम्बेसडर फॉर इंडिया महेंद्र सिंह कन्याल, इनको दिया है फर्स्ट लेडी। अब इनके कुछ कुछ प्रोजेक्टन है, ये प्रोजेक्टन पर काम करने के लिए पैसा लगाने के लिए। सब लोग तो जानते हैं बप्पा, दुनिया भर के बात ऐसे काका, देखो हम लोग के देश जो है, और हम सोची है कि 2005 से लेकर के 2010 या उससे पहले, देखो सूरीनाम में, सूरीनाम एक छोटा देश है गयाना के तरह, और यहाँ के प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बनु हुए तो उन्हें देश के इज्जत के लिए, समाज के इज्जत के लिए एक प्रेसिडेंट को ढंग से कपड़े पहन करके और देश में लोगों से और बाकी देश के मुल्कों के प्रेसिडेंट के साथ बैठ करके गुफ्तगू करने के लिए। अब मान लिया जाए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट आप तो जानते हैं ट्रंप इस वक्त का प्रेसिडेंट है, उससे पहले दो प्रेसिडेंट हो चुका है, क्लिंटन था, बराक ओबामा था, अब ट्रंप वगैरह। अगर इन तमाम प्रेसिडेंट से अगर आप प्रेसिडेंट मुल्क एक दूसरा मुल्क के प्रेसिडेंट वहां जाए तो ढंग से कपड़े पहन करके जाना चाहिए, जैकेट और दस यस एंड दस पहन करके एक प्रेसिडेंट अगर जाएगा तो वो हमारा देश के इज्जत भी किया, और वो जो जितने प्रेसिडेंट है वो सब जैकेट पहन करके बात करते हैं, जैकेट पहन करके। अगर हमारा देश का प्रेसिडेंट जाते भैया और गोयाबेरा पहन करके, गोयाबेरा तो जाने बगैर यस एंड दस वाला कपड़ा जो है, जैसे एक जमाने में मोतीसुंग जो करते थे, गोयाबेरा पहनो, अगर वो उन लाइन पर आप रहेंगे तो सूरीनाम अपने आप को नीचाई रखा, इसीलिए हम लोग दुनिया के साथ नहीं चल पाए हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन गयाना के प्रेसिडेंट भैया जैकेट दस पहन करके, अमेरिका के जैकेट दस पहन करके, चाहे जितनी छोटा वाला सब, और हमारे देश में अगर जैकेट नहीं पहन लो बप्पा और जाकर के कहो कि हम मोतीसुंग का आदमी है तो हम यहाँ के हैं तो हम गोयाबेरा पहनेंगे, तब तुम्हारा इज्जत कहाँ है? तुम्हारा इज्जत तो सम्मान की इज्जत भी नहीं। तो ये सब बात हर एक प्रेसिडेंट को जानना चाहिए, तनी ढंग से कपड़े पहन करके, जैकेट पहन करके, दस पहन के, बहुता बहुता जैकेट पहन के जाते हैं, बहुता पहन लेते जैकेट भैया और दस पहन करके, बताएगा तो हर एक प्रेसिडेंट को ऐसा ही। इसी कारण से आज सन्नाम इतना नीचा है कि कितनी प्रेसिडेंट शायद जैकेट और यास नहीं पहने के सोचा था। और आप बताइए काका, कोई शराब पाक पहन करके जाइए को मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, एक प्रेस, एक प्रेसिडेंट शराब पाक, शराब या कहिए श्रम पाक पहन करके वो जांच है बस स्पीकिंग में अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, कभी भाई कभी नहीं भाया। तो उन्हें ये शराब पाक या स्वयं पाक की नहीं, उनको कम से कम ठीक रूप में जैकेट पहन करके, डास पहन करके, वो उसमें सम्मान के इज्जत है। तो बहुत साल ऐसे ऐसे नहीं था, लोग ने हम लोग को देश को जानबूझ करके पीछा रखा। आप लोगन देखिए हर एक इंसान को, मैंने हमारे भैया लोग, कितने भैया लोग असेंबली रीजन है, और वो लोग को हमेशा सोचना चाहिए, ये बात सीख लो आप लोग। हर एक असेंबली लीड जो है सूरीनाम में, खास करके हमारा हिंदुस्तानी भाई लोग जो है, अगर आप लोग जो है असेंबली लीड, तो आपको न सोचे चाहिए कि आप छोटा असेंबली लीड है। आप हमेशा इतनी बात आपको सोचना चाहिए कि हम एक पावरफुल इंसान है, हम एक चलाक आदमी है, एक विद्वान आदमी है, हम एक उस काम के लिए हम तैयार है। लेकिन अगर आप ये बात सोचें कि हम बहुत स्वाक स्वाक है ये, हम कर पाप कि न कर पाप, तो आप लोग को उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, या बैठ गए लो तो और सलाह ले लो। वहां पर बैठो तो ये बात सोचो, हम कर सकेगा, हम चलाक आदमी हैं,
अगर आप अपने आप को ऐसे न सोचियो तो आप हमेशा बैठ करके तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, कभी तो अंगुली नहीं उठाते हैं, कभी कुछ सवाल नहीं कर पाएंगे, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, डिस्कशन में भाग नहीं ले पाएंगे, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल करिए तो ही कि फोर या तेईस करिए यही मुंह तुम्हारे बात से मुंह से निकलेगा, फोर फोर क्षेत्र तेईस फोर क्षेत्र और कुछ नहीं। तुम्हें चाहे डिस्कशन करेंगे, तुम्हें चाहे अगर आप अपने आप को न सोच लो कि आप विद्वान है और आप अपने आप को नहीं समझे कि आप द बेस्ट है, आई एम द बेस्ट, अगर ऐसे आप नहीं सोचेंगे तो आप धोखा खाएंगे। इसलिए वहां उसी बैठियो जब तो इतना बात याद रखियो कि आप हमेशा आई एम द बेस्ट, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, हमारे सूरीनाम की तमाम जनता, देश के तमाम लोग, भाइयों बहनों, देखियो मैं आप लोग को ये संदेशा देने के जा रहा हूं, और वो कौन सा संदेशा है, वो संदेशा ये है भाइयों बहनों कि अक्षतम अरविंद में तो सड़क पर कारोबार हो रहा है, लेकिन दालियान यहां देश में पारा में और जगह जगह पर डाम अस्फाल्ट तेज कर रहा है। ये है सरनाम की सरकार जो दालियान से कर्जा ले करके और ये डाम अस्फाल्ट तेज होता है। ऐसे ना है कि जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सब रास्ता अस्फाल्टेड होना चाहिए। जब दालियान कर्जा दे करके और खुद ये काम करता है, एक्सम बैंक से कर्जा लिया और खुद सरनाम में काम कर रहा है, तो हमारे देखे में डिस्ट्रिक्ट के जनता मांग कर सकता है। हम फिर से बात करने जा रहा हूं मिस्टर पी चांदी शॉवर के बारे में। एक रास्ता ये बहुत नामी रास्ता है, ओकरे बगल में है जो क्रेमासी और के लिए जा रहा है। अगर दालियान खुद कर्जा दे करके और डाम अस्फाल्टेड करता है तो दालियान के हुक्म दिया के सरकार जो हुक्म दिया है दालियान से कर्जा ले करके, तो कर्जवा भरेगा के श्रीराम की जनता? क्या सरमक्का की जनता कर्जवा ना भरी? कम से कम सरमक्का के असेंबली लीजन को चिल्लाना चाहिए था शिक्षा का है कि सरमक्का के रास्ता अस्फाल्टे न हो रहा है, क्योंकि जो कर्जा दालियान दे रहा है वो सरनाम के सड़क अस्फाल्टे करने के लिए, तो क्यों एक दो डिस्ट्रिक्ट और सरमक्का की छोड़ दिया गया? हमारे देखे में सरमक्का की जनता असेंबली लीडर वहां के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एक प्रोटेस्ट चिट्ठी लिखना चाहिए रखेरें को, और रखेरें के फरंतोर लगे उप बार मिनिस्टर की मिनिस्टर से एक वन डिस्ट्रिक्ट में रास्ता अस्फाल्टे हो रहा है और सरमक्का के रास्ता अस्फाल्टे न हो रहा है, क्योंकि वो कर्जा जो है वो सूरीनाम के जनता भरेगा। लेकिन वही बात है बाप, असेंबली में जब बैठो तो आपके छोटा नहीं समझे चाहिए, आपके समझे चाहिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, उसके बाद आप जो चिल्लाएंगे तो तुम्हारा आवाज लोग सुनेंगे। देखो जनता, प्यारे लोग, मिलियो इंस्पेक्टर्स के ट्रेनिंग मिल रहा है, मिलियो इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग मिल रहा है अच्छा से काम करने के लिए। अगर वो अच्छा से काम करेगा तो सही बात है, और अच्छा से काम ना करियो तो खाली देश के अंदर में नुकसान ही होगा। जैसे काली कमलैन के जो अभी तक विशेष कमिश्नर है, ये आदमी, इन्हें शायद पता हो गया होगा कि देश को कि अब उनका जाना के समय आ गया है, उनको जाना चाहिए निकेरी के आलम। देश काली 132 लोग के दर्जा बढ़ाने के लिए जो इस वक्त कमरेन में नौकरी करता है, मिनिस्टर दीकान के हाथ में दे करके गया है कि ए मिनिस्टर 132 लोग को बफोर्डरिंग मिलना चाहिए। अब आप देखिए जैसे काली एक बहादुरी काम करके गया है, जब इनको निकालने लगा वहां से, अभी एक ही साल से वहां पर है, और जब इन्हें वहां से अब हटा करके निकेली कर रहा है सरकार, डिकन
मिनिस्टर डीकान के जरिए वहां जा रहा है, तो डीकान से ठीक है हम तो जा रहे हैं लेकिन 132 के बफॉर्डरिंग आपको देना चाहिए। उनका बफॉर्डरिंग के लिए फोर्ड्रक बना करके काली जा रहा है, एक बहादुरी बात करके जा रहा है। ऐसे एक कमिश्नर को भी काम करना चाहिए कि अपने पर्सनल के साथ अच्छे से उठे बैठे और जाते हुए समय उन लोगों के इज्जत दे करके जाए। देखिए खराफान जिनजन दौरशोल, खराफोन खराफोन जिनजन दौरशोल के पुराना लेन, कुछ पैसा इनाम वगैरह जा करके स्कूल में दिया है। एक कमेसी है, कमेसी जो वहां पर एक कुछ सौकरे को जा रहा है देख तक यारख बस्तान फंड स्कूल, तो पुराना लेलिंगन जो आज कुछ ज्यादा पैसा भी कमाते बदरेप में होगा, मिनिस्टर होगा या और कई डायरेक्टर होगा ना, तो कमेसी को ये लोग मदद किया है वहां उत्सव मनाने के लिए। ये बहुत अच्छा बात है भाई कि लोग अपना पुराना स्कूल को भूले ना और ऐसे मदद करते रहेगा ना, तो मुझे अच्छा लगा ये सब बात देख करके कि लड़कन अभी तक बड़का आदमी हो गए हैं लेकिन अपना स्कूल को भूला नहीं। हमारे देश के तमाम जनता एक नया डील बना है अल्कोवा में, नया डील में अल्कोवा सुराल को 1.4 मिलियार्ड इतना फायदा सरनाम को हो जाएगा। जैसे अस्पराग जो बनल है अंडर हांड्रिस कमिशी फॉर द रखेरिंग एंड द लेडिंग फॉर बॉक्सिट मल्टी नेशनल अल्कोवा ओवर एन अफबावन फंड बस्तान ब्रोकोपोन ओवर इनकम्स, एक इंपैक्ट है, एक भलाई इंपैक्ट है। 1.4 मिलियार्ड सूरीनाम को फायदा होगा। तो देखिए ये अफबाह के मामला जो है, जो अब ये समस्या भी खत्म किया जा रहा है, इससे कम से कम 1.4 मिलियार्ड सूरीनाम के फायदा होने को जा रहा है। और अल्कोवा भी कुछ न कुछ चीज अपने ऊपर लिया है। Kosten van de vervuilde gebieden. De Alcoa zal ook opdraaien voor alle kosten om de vervuilde gebieden te saneren en verstoorde mijngebieden te herstellen. Hiervoor is $300 miljoen uitgetrokken. Voor Suralco 1,4 miljard. Dit laat zijn naam gezegd vrijdag hoga. और 300 miljoen ये सब चीज फिर से ठीक ठाक करने के बाद वो सूरीनाम छोड़ के जाएगा। और यहाँ पर ये बात लिखा है द वाटर क्रैक्स वेर एजन डेट दिसंबर 2023 ये सूरीनाम के हवाले हो जाएगा ना? तो प्यारे लोग अब हम बताई तो का बताई, ये सब बात हुआ है, ये सब बात लिखा है, अखबार ने ये बात लिख दिया है और हम आपको ये संदेशा भेज दिए हैं। सिकन हाउस जो निकेरी में है, लीजन फॉर द बोन फॉर प्यार सुनील मोमरा बेजी से संतरम बारी घफा बप्पा, ये इतना नाराज, इतना नाराज हम बताई क्योंकि ये लोग को तनख्वाह मिला, कोप कनक पर स्टर्की नहीं मिला और पेंशन और फकांसी खाक नहीं मिला। ऐसे बहुत से नाराज हुआ है भाइयों। तो आज जहां तक पता है फकांसी खाउट आज या कल देश दाग को फकांसी या कोप का रख मिला है और आज भी कुछ पैसा मिलेगा, तो शायद आज पाए गए होंगे सब जिस कोप का रख पर स्टार्टिंग 500 या फकांसी 2 लाख, तो आज जिकन हर्ष निकेरी को ये सब पैसा मिला है और उससे पहले नहीं था। तो ये लोग ने बड़ी उदास थे, बड़ी खफा थे। ब्रांड सरमक का एक नया रेडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लक्ष्मी नारायण दुबे सरमक का के ये ऐलान किया है कि एक ब्रांड हो ब्रांड मिनिस्टर इज द क्लास कैफन टर्क एंड अ न्यू रायन कमांडेंट फ्रॉम ग्रोनिंगेन, ये है मिस्टर कैनेट ओब्रायन, समझे ना। तो पैरक ही जलेजिंग फन कमांडर हिबर्ट हैक वी ओवर 3 मार्जन अपस्वाइट ओवर खनोमन जनीवा रायन कमांडेंट फ्रॉम ब्रांडवेयर यारिकाबा इस हो ब्रांड मिनिस्टर हो नाउ जो
जो दिक्रोम, तो ये जो सब नहीं कुछ लोग हैं जो बागडोर इनों के हाथ में दिया गया है।